नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। पटना के बहुचर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। ये मांग रुपेश सिंह की पत्नी ने की है। बाकायदा इसके लिए उन्होंने सीएम को एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल पटना पुलिस दावा कर रही है कि उसने रुपेश सिंह हत्यारे को पकड़ लिया है। इसके लिए पटना पुलिस खुद की पीठ भी थपथपा रही है, लेकिन पटना पुलिस पर रुपेश सिंह की पत्नी को यकीन नहीं है। रुपेश की पत्नी नीतू सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी में रुपेश हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि ये जांच हाई कोर्ट की निगरानी में हो। नीतू सिंह ने सीएम को पत्र लिखकर पटना पुलिस की जांच पर नाखुशी जाहिर की है, साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए हैं। इससे पहले 7 फरवरी को जब रुपेश के परिजनों ने सीएम से मुलाकात की थी, उसके बाद भी परिजनों ने रोडरेज की घटना को मानने से इनकार किया था। आपको बता दें कि इसी साल 12 जनवरी की शाम पटना में रुपेश कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 22 दिन बाद हत्याकांड का खुलासा किया। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि रोड रेज में रुपेश की हत्या की गई थी। साथ ही हत्या के मुख्य आरोपी ऋतुराज को भी पेश किया गया था।